हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास टेंथ द मिडनाइट विजिटर सप्लीमेंट्री का थर्ड चैप्टर, इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है या इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को नहीं देखा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो हम लोग दो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कैरेक्टर स्केच है। आइए देखें, पहले तो क्वेश्चन है, व्हाई डिड मैक्स स्क्रीम श्रीली व्हेन ही ड्रॉप टू द बालकनी। तो जब मैक्स बालकनी से नीचे गिरा तो वह क्यों चीखा। आंसर, अ मैन स्क्रीम श्रीली, एक व्यक्ति कराहता है, चीखता है, When something unexpected happens to him, जब कोई अप्रत्याशित घटना उसके साथ होती है। Here Max screamed shrilly, यहाँ Max चीखा, when he dropped to the balcony, जब वह बालकनी से नीचे गिरा। Because there was no balcony at all, क्योंकि वहाँ पर कोई बालकनी छज्जा नहीं था। मैक्स थॉट दैट देयर वॉज अ बालकनी, मैक्स ने सोचा कि वहाँ पर एक बालकनी है, जस्ट आउटसाइड द विंडो, खिड़की के ठीक बाहर। सो ही ट्राई टू गो आउटसाइड द विंडो, इसलिए वह खिड़की के बाहर जाना चाहता था। सो ही ट्राई टू जम्प ऑन टू इट, तो वहाँ से छज्जे से कूदना चाहता था, विदाउट लुकिंग, बिना देखे। द रूम वॉज ऑन द सिक्स्थ फ्लोर, कमरा छठवें मंजिल पर था। मैक्स वुड हैव बीन डाइड, तो मैक्स मर गया होगा, बाई फॉलिंग फ्रॉम सच अ हाइट, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद। इट वॉज ऑन द टॉप फ्लोर इन अ, तो यह सबसे ऊंचे वाली मंजिल पर था। इन अ फॉलिंग फ्रॉम सच अ हाइट, और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद, नो वन कैन अलाइव, कोई जीवित नहीं रह सकता। सेकेंड क्वेश्चन, असबल वॉज अ क्लेवर सीक्रेट एजेंट, असबल एक चतुर सीक्रेट एजेंट था, गुप्तचर था। डू यू एग्री विथ द स्टेटमेंट, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। जस्टिफाई योर आंसर, अपने उत्तर को जस्टिफाई कीजिए। और अथवा दूसरी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ असबल, असबल का चरित्रण दीजिए। असबल का यहाँ ए कैपिटल में टाइप होना चाहिए था। आंसर है, देयर आर टू सीक्रेट एजेंट इन द स्टोरी, मैक्स एंड असबल। कहा कि इस कहानी में दो सीक्रेट एजेंट हैं, मैक्स और असबल। बट आई लाइक असबल मोस्ट, The reasons for my liking are given below. मेरी पसंद के कारण नीचे दिए गए। इंट्रोडक्शन हेडिंग डालेंगे, असबल इज अ सीक्रेट एजेंट, असबल एक सीक्रेट एजेंट है। ही इज शॉर्ट एंड वेरी फैट, वह छोटा है और बहुत मोटा है। ही लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर, वह सबसे ऊंची वाली मंजिल पर रहता है। Besides, इसके अतिरिक्त, he speaks French and German, which lacks fluency. वह फ्रेंच भाषा, फ्रांसीसी भाषा और जर्मन भाषा बोलता है, बड़ी मुश्किल से बोल पाता है। Lacks fluency, उसमें फ्लुएंसी नहीं है। Sharp mind, तेज दिमाग का है। असबल has a very sharp mind and active mind. Sharp and active mind. तो असबल का दिमाग बहुत तेज और एक्टिव माइंड है, चुस्त है। ही इन्वेंट्स टू स्टोरीज, वह दो कहानियों को गढ़ता है। वन अबाउट अ नॉन एग्जिस्टेंट बालकनी आउटसाइड हिज होटल विंडो, एक तो जो कि अस्तित्व में नहीं है, मतलब बालकनी है नहीं, उसकी कहानी गढ़ लेता है। अपने होटल के बाहर, खिड़की के बाहर एक छज्जा है, ऐसा बता देता है। एंड अनदर, और दूसरी कहानी, अबाउट द पुलिस अराइविंग टू, और दूसरी पुलिस के आने की बात बताता है। गिव एक्स्ट्रा सिक्योरिटी टू सम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो कुछ
महत्वपूर्ण दस्तावेज की सुरक्षा के लिए वह पुलिस के आगमन की जो सूचना दे देता है, कहानी गढ़ लेता है। हेडिंग है एन इंटेलिजेंट प्रतिभावान। ही इज एन इंटेलिजेंट मैन, वह एक प्रतिभावान व्यक्ति है। ही इज अ क्लेवर सीक्रेट एजेंट, वह एक चतुर सीक्रेट एजेंट है। ही इन्वेंट्स स्टोरीज ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। स्पर ऑफ द मोमेंट ये मुहावरा है, तुरंत, वह तुरंत कहानी को गढ़ देता है। टू फेस सच इमिनेंट डेंजर, इस तरह के खतरे का सामना करने के लिए, आने वाले खतरे का सामना करने के लिए इंटेलिजेंस इज नेसेसरी, प्रतिभा का होना आवश्यक है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।